नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिर पहुंच गए हैं जेल। चारा घोटाले का जिन्न लालू का पीछा नहीं छोड़ रहा है। लालू पहले से चारा घोटाले के एक केस में 5 साल की सजा पाने के बाद जमानत पर बाहर थे, लेकिन अब दूसरे केस के कारण फिर जेल चले गए। बचपन में मवेशी चराने वाले लालू का पीछा मवेशियों ने आज तक नहीं छोड़ा, इसी के कारण लालू का सब कुछ छिन रहा है। लालू चारा घोटाले के जिस केस में अब जेल गए हैं, उसकी फाइल 21 साल पहले 1996 में खुली थी। 950 करोड़ के घोटाले की कलई खुली थी। उस समय उपायुक्त रहे अमित खरे की पशुपालन विभाग में मारे गए छापे से पता चला कि सरकारी खजाने से ऐसी ऐसी कंपनियों को चारा सप्लाई, जानवरों की दवा के नाम पर भुगतान हुआ, जो कंपनियां ठीक ही नहीं। इस मामले के लपेटे में लालू भी आए और उनसे पहले सीएम रहे कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र भी। 1996 में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच संभाली। फिर लालू कभी चारा घोटाले से उबर नहीं पाए। 1997 में लालू जब सीएम थे, तब सीबीआई ने बिहार के राज्यपाल से केस चलाने की इजाजत मांगी, जिसे मिलने के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दायर की और पहली बार जुलाई 1997 में लालू को इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। काफी मुस्कुराहट है, क्या चिंता करना है, न्याय पर भरोसा है हम लोगों को। इंसाफ आज न कल मिलना ही है, सब लोग को मिल रहा है, तो हम पिछड़ी जाति के हैं, हमको भी मिलना चाहिए। चारा घोटाले में लालू के खिलाफ कुल 6 केस दर्ज हैं। इससे पहले अक्टूबर 2013 में चाईबासा ट्रेजरी से 36 करोड़ के गबन के मामले में लालू को सजा हो चुकी है। लालू को 5 साल की सजा हुई थी। उसी सजा के कारण लालू को लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा और सजा पाने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है। हालांकि उस मामले में लालू जमानत पर हैं, लेकिन अब 89 लाख के गबन के देवघर ट्रेजरी मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। 3 जनवरी को सजा का फैसला होगा। अभी भी दुमका ट्रेजरी, डोरंडा ट्रेजरी, भागलपुर ट्रेजरी से अवैध निकासी के केस चल रहे हैं। देर सवेर इन मुकदमों के फैसलों का भी सामना लालू को करना पड़ेगा। है कि जिस तरह से एक ही तरह का मामला था, उसमें आपको 5 बार ट्रायल किया जा रहा है। हाँ, तो सेम एंड सिमिलर चार्जेज पर अलग अलग एक मुर्गी को 9 जगह हलाल किया जा रहा है। एक लालू के बचपन से लेकर आज तक कोई एक बात कॉमन है, वो है पशुपालन। बचपन में लालू मवेशी चराया करते थे। पढ़ाई के बाद जो नौकरी ज्वाइन की थी, वो थी बिहार के पशुपालन विभाग की, जिसमें वो पशु चिकित्सा कॉलेज में क्लर्क नियुक्त हुए थे। उनके सीएम बनने के बाद जो घोटाला हुआ, वो भी पशुपालन विभाग से ही जुड़ा हुआ है। पशुपालन विभाग के पैसों के गबन, हेरा फेरी के कारण ही उन्हें बिहार की सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और जेल तक जाना पड़ा। अभी भी जेल जाने का सिलसिला जारी है। लालू के घर में कई मवेशी पाले जाते हैं। करोड़ का भी मामला नहीं है, और जिसमें कि आरोपी मुख्य आरोपी लालू जी को बनाया गया है, जो कि आश्चर्यजनक है। और ये घोटाला जो है 1977 का घोटाला, लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। सीबीआई ने पूरा इंटरपोल लगा कर पूरे परिवार से लेकर के हर जगह जांच वांच किया, एक रुपया नहीं मिला। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी मुक्की खानी पड़ी सीबीआई। लालू का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गाँव में हुआ था। मराठिया देवी और कुंदन राय की दूसरी संतान थे लालू। लालू ने गांव में ही मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई की, फिर अपने भाई के पास आकर पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय हुए। 1970 में लालू पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बन गए थे। 3 साल बाद 1973 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। उसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का बिगुल फूंका तो लालू उनके साथ जुड़ गए। छात्र संघ की राजनीति और जेपी आंदोलन ने लालू की राजनीतिक जीवन की बुनियाद रखी। उसी दौरान लालू जनता पार्टी के संपर्क में आए। लालू के तेज तर्रार तेवरों ने जनता पार्टी नेताओं को प्रभावित किया, तो 1977 में उन्हें छपरा से लोकसभा का टिकट मिल गया। 77 का चुनाव जनता लहर का चुनाव था, जिसकी बदौलत सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू संसद पहुँच गए। देश में जब जब कांग्रेस के खिलाफ लहर चली, लालू को इसका फायदा मिला। 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी के पक्ष में लहर उठी तो लालू सांसद बन गए। 1989 में वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाला तो लालू को सीएम बनने का मौका मिल गया। कहा जाता है कि 1990 में जब बिहार के सीएम को चुना जाना था, तब वीपी सिंह रामसुंदर दास को चाहते थे।
चंद्रशेखर के मन में रघुनाथ झा का नाम था, लेकिन लालू का नाम चौधरी देवीलाल ने आगे किया। जनता दल की बैठक में हुई वोटिंग में लालू ने बाजी मार ली। उस जमाने में बिहार में यादवों की आबादी करीब 11% थी। लालू पिछड़ों के नेता के तौर पर उभरने लगे। आज भले लालू जेल चले गए हों, लेकिन बिहार की राजनीति 1990 से लगातार लालू के इर्द गिर्द घूम रही है। राबड़ी के लिए लालू से मिलना बिछड़ना नया नहीं है। करीब 43 साल के साथ में लालू और राबड़ी को कई मौकों पर जेल ने जुदा किया। 1973 में शादी के बाद ही इमरजेंसी के दिनों में छात्र आंदोलन में सक्रिय लालू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 1974 से 1977 तक कई बार लालू जेल जाते रहे। फर्क ये है कि पहले आंदोलन के सिपाही के तौर पर जेल गए, तो अब चारा घोटाले में भ्रष्टाचार के कारण जेल जाना पड़ा है। लालू और राबड़ी देवी की शादी 1973 में हुई थी। तब राबड़ी देवी की उम्र सिर्फ 14 साल थी। लालू तब 25 साल के थे। उस समय के रिवाज के मुताबिक शादी के 3 साल तक लालू के घर राबड़ी नहीं गई। शादी के 3 साल बाद गौना हुआ था, मतलब 3 साल बाद राबड़ी मायके से ससुराल आई थी। लालू यादव जब जेल गए, उनके परिवार का राजनीतिक विस्तार हुआ। 1997 में लालू जब बिहार के सीएम थे, तब चारा घोटाला में लालू के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी थी। लालू को इस्तीफा देना पड़ा था। लालू ने पार्टी में किसी योग्य को सीएम की कुर्सी के बजाय बिल्कुल घरेलू महिला अपनी पत्नी राबड़ी देवी को चुना। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली तो सनसनी मच गई। राजनीति में परिवारवाद की अनोखी मिसाल कायम की थी लालू। लालू तो जेल चले गए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में राबड़ी ने परिवार भी संभाली, पार्टी और सरकार भी चलाई। 3 साल बाद 2000 में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में लालू पर लगे दाग के बाद भी जोरदार जीत हासिल की, तो राबड़ी ही मुख्यमंत्री बनी रही। राबड़ी की बदौलत लालू कई साल तक बिहार पर राज करते रहे। बाद में लालू की राजनीतिक वापसी हुई, लेकिन लालू ने बिहार की कमान राबड़ी को सौंपे रखी और खुद केंद्र में रेल मंत्री बन बैठे। राबड़ी 3 किस्त में 1997 से 2005 तक बिहार की सीएम बनी रही। अब की बार लालू जेल गए हैं, तो उनकी 3 संतान पार्टी चलाने के लिए तैयार है। बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद है, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप विधायक है। मीसा की शादी शैलेश कुमार से हुई। लालू जब चारा घोटाले में जेल गए हैं, तब मीसा भारती भी कम मुश्किल में नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने मीसा भारती के दिल्ली के फार्म हाउस को भी अटैच किया हुआ है। आरोप है कि 4 शैल कंपनियों के जरिए आए 1,20,00,000 रुपए से फार्म हाउस खरीदा गया था। स्वाभाविक रूप से ये तो प्रक्रिया प्रवर्तन निदेशालय का, अगर ऐसी खबर आई है तो निश्चित रूप से अब तक यह कहा जा रहा था क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कानून की प्रक्रिया है, उसका अनुपालन तो होना ही था। साक्ष्य मिले थे तो साक्ष्य के आधार पर, चूंकि राजनीति को व्यवसाय बना दिया गया, धंधा, तो स्वाभाविक परिणति है, चार्जशीट होगा, ट्रायल होगा, इन परिणतियों से तो गुजरना होगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी को न्यायालय पर भी भरोसा होना चाहिए और जेल पर भी भरोसा होना चाहिए। लालू परिवार की त्रासदी ये है कि परिवार के ज्यादातर लोग कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। तेजस्वी के खिलाफ भी सीबीआई ने जुलाई में केस दर्ज किया था। आरोप लगा कि रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार ने पटना में 3 एकड़ जमीन हासिल की थी। जिस समय का ये मामला था, उस समय तेजस्वी 13-14 साल के थे। इसी मामले की आड़ लेकर नीतीश ने लालू से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था। लालू के जेल जाने के बाद तेजस्वी पर पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी है, वही आगे पिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले हैं। सामाजिक जीवन में क्या चीज, जिसने समाज का उपयोग समाज के लिए किया वो समाज का महान बनता है। लालू जी ने समाज के द्वारा दी गई अर्जित शक्ति को परिवार के लिए किया और उससे चारा घोटाला से सीख नहीं लिया, फिर रेलवे मंत्री के बाद भी घोटाले में ही पूरे परिवार को फंसा दिया। अपने विशाल परिवार के कारण भी लालू चर्चा में रहे।
लालू की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। भ्रष्टाचार के जाल में लालू खुद तो फंसे ही हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी तेजस्वी, बेटी मीसा, रागनी और चंदा, दामाद शैलेश पर भी आरोप हैं। विधानसभा चुनाव में जब लालू और नीतीश की जोड़ी चुनाव में सुपरहिट रही और मिलकर सरकार बनाई तो लालू ने तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया था। तेजस्वी पथ निर्माण मंत्री थे, तब उन्होंने बिहार की सड़कों की बदहाली जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। कहा था कि अगर आपकी सड़क खराब है तो एक तस्वीर खींचिए और इस नंबर पर भेज दीजिए, बदहाल सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। इस नंबर का असर ये हुआ कि तेजस्वी बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बनकर उभरे। करीब 44,000 लड़कियों ने तेजस्वी से शादी का प्रस्ताव भेजा। हालांकि तेजस्वी की शादी के बारे में अभी तक लालू राबड़ी ने कोई फैसला नहीं किया है। तेजस्वी फिलहाल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। लालू राबड़ी की सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती। मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं। जब मीसा भारती का जन्म हुआ था तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और लालू यादव जेल में थे। लालू पर नॉन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा की धारा लगी थी। लालू ने मीसा का नाम मीसा एक्ट के नाम पर रख दिया। मीसा भारती ने MBBS की डिग्री ली हुई है। उन्होंने MBBS परीक्षा में टॉप किया था। उन्हें डॉक्टरी करते हुए कभी देखा नहीं गया। लोग उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाते रहते हैं। लालू ने अपनी कई बेटियों की शादी भी राजनीतिक परिवारों में की। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव उनके समधी हैं। मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव से लालू ने अपनी सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी की है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता जितेंद्र यादव उनके समधी हैं। लालू ने अपनी बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से की है। जितेंद्र गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हरियाणा के कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव भी उनके समधी हैं। बेटी धन्नू की शादी कैप्टन अजय यादव के बेटे राव चिरंजीव से हुई है। कैप्टन अजय हरियाणा की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। चिरंजीव हरियाणा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बिहार का लोक पर्व छठ ऐसा मौका है जब कैमरे पर एक साथ दिखता है लालू का पूरा परिवार। हर साल राबड़ी देवी छठ करती हैं। राबड़ी शादी के बाद से हर साल छठ करती रही हैं। सिर्फ 2016 में राबड़ी देवी ने छठ नहीं किया था। कहा तो गया कि राबड़ी ने तय किया है कि बेटों की शादी के बाद ही छठ करेंगी, लेकिन इस साल फिर से राबड़ी के घर पर छठ पूजा हुई। राबड़ी ने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ दिया। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बने और BJP का राजनीतिक रथ चल निकले। इस शपथ के साथ BJP के लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी की रथ यात्रा को बीजेपी के राजनीतिक विकास का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तब लालू बिहार के सीएम बने थे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में लालू और आडवाणी दोनों थे, लेकिन लालू ने ही आडवाणी का रथ बिहार के समस्तीपुर में रोकने की हिम्मत दिखाई। एक चूहा भी नहीं देगा, एक फोटो भी नहीं देगा। जैसे गिरफ्तार हुए, जैसे लूट किया हमारा पुलिस, जैसे मसान जोर में ले आके पहाड़ में लूट किया। 1990 में लालू जब बिहार के सीएम बने तब उन्होंने बिहार के विकास के बड़े बड़े वादे किए। बदहाल सड़कों को ठीक करने का वादा करते करते वो ये कह गए कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसी बना देंगे। तब लालू के इस बयान की जबरदस्त आलोचना हुई थी। लालू के राज में कभी बिहार की सड़कों का भला नहीं हो पाया, लेकिन इस बयान की चर्चा अक्सर होती है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू ने बिहार में जब राज करना शुरू किया था तब उनके आसपास कोई विपक्षी ताकत थी नहीं। कांग्रेस कमजोर थी और बीजेपी उभर नहीं पा रही थी। लालू लगातार चुनाव जीत रहे थे। लालू ने नारा दिया था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। सचमुच 1990 से लेकर अब तक दो एक मौके को छोड़कर लालू का राज खत्म नहीं हुआ है। पहले लालू सीएम रहे, फिर पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के कारण वो विधायक, सांसद, सीएम तो नहीं बन सकते। लालू की छवि चारा घोटाले में मिट्टी में ऐसी मिली कि उनकी प्रशासनिक काबिलियत भी कभी सिर उठा नहीं पाई।
लालू जब सीएम बने तो उन्होंने उस अतीत को याद रखा जब वो मवेशी चराया करते थे। लालू ने मवेशी चराने वाले बच्चों के लिए चरवाहा स्कूल की कल्पना की। 1991 में चरवाहा विद्यालय शुरू भी हुआ इस सोच के साथ कि बच्चे जब मवेशियों को चारा खिलाने निकलेंगे तब पढ़ भी सकेंगे। तब लालू के चरवाहा विद्यालय योजना वर्ल्ड फेमस हुई थी। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में भी चरवाहा विद्यालय को शामिल किया गया। बिहार के वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड में इस बिल्डिंग में देश का पहला चरवाहा विद्यालय खुला भी, लेकिन जमीन पर न चरवाहा विद्यालय खुला न इसमें मवेशी चराते चराते बच्चे पढ़ पाए। लालू ने एक बड़ा प्रयोग किया था रेल मंत्री बनने के बाद। 2005 में लालू यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री बने थे। तब उन्होंने रेलवे कैटरिंग में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिट्टी के बर्तन यानी कुल्हड़ में चाय की बिक्री शुरू कराई थी। कुछ वक्त तक तो कुल्हड़ वाली चाय रेल यात्रा का आकर्षण रही, लेकिन लालू के जाते ही कुल्हड़ और योजना खत्म हो गई। लालू जब तक रेल मंत्री रहे उन्होंने रेल का किराया भी बढ़ने नहीं दिया। फिर भी लालू को श्रेय दिया जाता है कि उनके वक्त भारतीय रेल प्रॉफिट में आ गई थी। लालू जाति की राजनीति से उपजे नेता हैं। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद उपजी लहर में ही लालू चुनाव जीतकर सीएम बने थे। लालू पिछड़ी जाति की राजनीति करते रहे हैं। शुरुआती राजनीतिक जीवन में लालू ने नारा दिया था, घूरा बाल हटाओ, मतलब ऊंची जाति के भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ को हटाओ। लालू के इस नारे ने बरसों तक बिहार में करिश्मा दिखाया और अगड़ी जाति के प्रति बैर भाव रखने वाले लालू बिहार में राज करते रहे। लालू नीतीश, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सारे दोस्त थे जो जेपी आंदोलन से जुड़े। इन सब ने मिलकर जनता दल नाम की पार्टी बनाई थी, लेकिन राजनीति में सबसे पहले और सबसे ज्यादा तरक्की लालू ने ही की। 29 साल की उम्र में लालू लोकसभा सांसद बन गए। 1990 में बिहार के सीएम बने, चुनाव जीतकर 1995 में भी सीएम बने। 1997 में लालू ने दोस्तों से किनारा करके अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई, जो आज भी चल रही है। नीतीश और पासवान आज लालू के खिलाफ बीजेपी के साथ हैं। बड़ी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। बिहार के फुलवरिया नाम के गांव से निकले लालू की पहचान आज भी उनका ठेठ देसी अंदाज है। लालू अपने हेयर कट के लिए काफी मशहूर हुए थे। बड़ी से बड़ी और गंभीर से गंभीर बात बोलने का लालू का अपना अलग ही अंदाज है। सीएम रहते हुए सीएम हाउस में कुर्ता फाड़ होली की शुरुआत का श्रेय भी लालू को ही जाता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।